students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. प्यारे बच्चों, chapter को continue करते हुए आज हम बात करने वाले हैं various procedures involved in metallurgical processes. तो before I proceed forward, एक बात ध्यान से देखिए. The ores mined from earth's crust are never pure. अर्थ के क्रस्ट में से जो सब्सटेंसेस हम निकालेंगे, जिस ओर को हम निकालेंगे, दैट विल नेवर बी प्योर. अरे मिट्टी तो लगी होगी ना उसके साथ, कुछ और हो ना हो, क्ले, सिलिका, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ तो उसके साथ लगा ही होगा, राइट? सो दे आर जनरली कंटामिनेटेड विद अर्थी अनडिजायर्ड मटेरियल्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स. तो मैं जिसको लिख रही हूं ओर प्लस गैंग, गैंग और मैट्रिक्स दोनों एक ही बात है, ये दोनों मिलकर किसके बराबर है, मिनरल. माइन में से निकलने वाला जो मटेरियल है उसमें ओर भी है और गैंग भी है, राइट? अब इसको इधर ले जाएं, वही बात आ जाएगी. मिनरल में से अगर गैंग को हटा दें, ठीक है, मिनरल में से गैंग को हटा दें तो क्या बचेगा, ओर. तो ओर किसके बराबर आ गया, मिनरल माइनस गैंग, क्लियर? तो ये और वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली, आसानी से बाहर निकाल सकें, यूज में ला सके, दैट इज कॉल्ड ओर, राइट? अब ओर और मिनरल के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं. अब हमारा मेन फोकस क्या है, एक तो आपको पता चल गया गैंग क्या होता है, अर्धी इंप्योरिटीज जो है ओर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, दैट इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, ओके. कल आप लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स देखे, राइट? एक फ्लो चार्ट बनाया था आप लोगों ने. स्टेप नंबर वन में आपने किया स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन हमारे पास ओर ऑलरेडी है, राइट? स्टेप वन के अंदर हमने किया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोसीजर नहीं लगता है, यू हैव टू क्रश और ग्राइंड, ठीक. फिर ये आ गया पाउडर फॉर्म के अंदर, नाउ इट इज पाउडर ओर. फिर हमारा स्टेप टू स्टार्ट होगा, दैट इज नोन एज बेनिफैक्शन ऑफ ओर, और इसको बोलते हैं ओर ड्रेसिंग, ठीक है, और मैं इसको बोलूंगी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, और इट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. अब मुझे वेरियस प्रोसीजर्स लगाने हैं जिससे हम ओर बेनिफिक्शन कर सकें, मींस हम ओर ड्रेसिंग कर सकें, मींस हम कंसेंट्रेशन ऑफ ओर कर सकें. मतलब हमने लेट इट बी कि हमने 4 टन मटेरियल उठाया, लेकिन उस 4 टन के अंदर जो मेटल है वो इतनी थोड़ी ना होगी, हो सकता है मेटल सिर्फ उसमें से मेरे को 40 kg मिले, इट इज पॉसिबल, क्योंकि जेसीबीज लगाकर बड़े बड़े मटेरियल्स तो हम उठा लेंगे. देन वी हैव टू अप्लाई नंबर ऑफ प्रोसीजर्स, क्योंकि आप 4 टन के साथ लैब में काम नहीं करोगे, ठीक है ना. तो इसको हमने कंसेंट्रेट करते जाना करते जाना. जो चीजें आप मिट्टी वगैरह है वो पानी से धोके निकाल सकते हो, कुछ चीजों की आप हैंड पिकिंग कर सकते हो. तो अभी हम देखेंगे बेनिफैक्शन ऑफ ओर के बारे में हम कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं, ठीक है. तो देखिए हम एक छोटा सा पॉइंट्स बना लेते हैं, फिर उसको बुलिंग पॉइंट्स को साथ उठाते चलेंगे, ठीक है. मेन का हमारे पास काम क्या है, हमारे पास था ओर, ओर को हमने बनाना है पहले कंसेंट्रेटेड ओर, राइट? हमें बना लिया कंसेंट्रेटेड ओर, ओके. अब कंसेंट्रेटेड ओर से यहां तक जाने के लिए अलग, ये हमारा लग गया स्टेप टू. कंसेंट्रेटेड ओर जब हो गया, अब अगर एल्युमिनियम है तो इट विल बी नाउ बॉक्साइट में से बाकी सारी इंप्योरिटीज हट जाएंगी, नाउ दिस इज एलुमिना, राइट? बॉक्साइट में से अब हम इसमें से मुझे मेटल को अलग करना है, ठीक. तो कोशिश क्या होगी, हमें मेटल ऑक्साइड बनाने हैं, ठीक. मेटल ऑक्साइड बन गया, कैसे करेंगे, यहां पे ऑक्सीडेशन करके. कंसेंट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, मेटल ऑक्साइड बन गया, देन वी विल परफॉर्म रिडक्शन,
क्योंकि जो भी मेटल ऑक्साइड होगा वट एवर इट मे बी माइनस ऑक्सीजन हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मेटल। लेकिन ये मेटल कौन सी होगी, इम्प्योर। फिर हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करनी है, वहां अपने फ्लो चार्ट में देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, और हमारे पास क्या आ जाएगी अल्टीमेटली, प्योर मेटल। तो यही बेसिक स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके क्रशिंग ग्राइंडिंग के बाद ना वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरियस प्रोसीजर्स फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, ये था स्टेप टू, ठीक है। अब इसका पहला तरीका हैंड पिकिंग, आपने फ्लो चार्ट में नहीं लिखा होगा बट हैंड पिकिंग इज वन ऑफ द प्रोसीजर। हमारे घरों में हम यूज करते हैं हैंड पिकिंग, है ना, दाल चावल चुनते हैं ना, दैट इज हैंड पिकिंग। तो बड़े स्केल के ऊपर कुछ चीजें हमें आसानी से दिख जाती हैं। सल्फर येलो कलर का होता है, राइट। सल्फर के अंदर अगर कोई और चीजें मिक्स हो गई हो तो उसको तो हैंड पिकिंग से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स मिक्स हो जाती हैं, तो हैंड पिकिंग आप समझ सकते हो। तो कंसेंट्रेशन विद हैंड पिकिंग, आप विजिबल इंप्यूरिटीज जो हैं, विजिबल लार्ज साइज्ड इंप्यूरिटीज, राइट, दे कैन बी रिमूव्ड सिंपली बाय हैंड पिकिंग, राइट। देन हमारे पास है लेविगेशन, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेविगेशन, और हम इसको क्या कहेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग्यो पार्टिकल्स। दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस है, उस वजह से हम लेविगेशन यूज करने वाले हैं। ओर की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इंप्योरिटीज। तो फिर क्या होगा, जब हम इसको पानी से धोएंगे तो बींग हैवियर इट विल सेटल डाउन, और ये बींग लाइटर इट विल बी वॉश्ड अवे। समझ आई बात, तो लेविगेशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, द ओर इट इज वॉश्ड इन, ओर इज वॉश्ड इन अ स्ट्रीम ऑफ रनिंग वॉटर, स्टेग्नेंट वॉटर में नहीं होगा, रनिंग वॉटर, ठीक। मीन्स ये हमने इसमें अलग अलग ऐसे डिप्रेशंस बनी होती हैं, ठीक है, इधर से इसके ऊपर पानी गिर रहा है और पानी लगातार चला हुआ है, और यहां से हमने इसके ऊपर डाल दिया ओर, ये ओर आ गया, ठीक है। ओर के अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ बहकर ये पहुंच गए आगे, लेकिन ओर के जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो यहीं पे सेटल हो गए पीछे, दे आर सेटल्ड हियर, इंप्यूरिटीज आगे निकल गई, बींग लाइटर दे आर फ्लोन अवे विद वॉटर, बींग लाइटर, तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, तो ओर पार्टिकल्स जो है वो पीछे सेटल हो गए और जो इंप्योरिटीज हैं वो आगे चली गई, ठीक है। दिस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। मैंने आपको गोल्ड वाली एग्जांपल दी थी ना, तो गोल्ड के ओर्स, स्पेशली नोबल मेटल्स के ओर्स इसी तरीके से साफ किए जाते हैं, क्योंकि वो खुद तो नोबल हैं, ज्यादा कंपाउंड्स नहीं है, दे आर नॉट इन कंबाइंड स्टेट, तो सिर्फ पानी से हटाकर भी उनको रेडी किया जा सकता है। तो ओर मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दैट इज बेस्ड अपॉन, दिस इज कॉल्ड लेविगेशन। लेविगेशन के अंदर आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग की, पानी से धोया। आप सिंपल अपने किचन में ये प्रोसेस यूज करते हो लेविगेशन का, चावल धोते हो, दाल धोते हो, तो सिर्फ उसके अंदर की इंप्योरिटीज, वो पाउडरी सा सब्सटेंस या कुछ और तिनके वगैरह होंगे, वो पानी के साथ रनिंग स्ट्रीम के साथ निकल जाते हैं, और हैवियर पार्टिकल्स मीन्स दाल या चावल दे सेटल डाउन एट द बॉटम इन द कंटेनर जिसमें आप उसको धो रहे हो,
अंडरस्टूड? ओके, तो ये था लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन. तो मैंने आपको बताया ना हेमेटाइट, हेमेटाइट फॉर आयरन, आयरन का ओर है, देन टिन स्टोन, देन गोल्ड. दीज मेटल्स, दीज ओर्स और गोल्ड का जो भी ओर हमारे पास होगा, दे यूज दिस प्रोसेस. अब मैंने बोला था ना हर मेटल के लिए हर प्रोसेस नहीं लगेगा. आप सोडियम के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग नहीं करोगे, आग पकड़ लेगा, है ना? तो सोडियम के लिए आप नहीं करेंगे, राइट? तो ये नोबल मेटल्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है? नेटिव ओर्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के नेटिव ओर्स ही होंगे. क्लियर? ओके. अब थर्ड मेथड, ठीक है, हैंड पिकिंग को भी अगर आप मेथड लेके चल रहे हो, तो हमारा नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके. स्पेशली हेमाटाइट विच इज ओर ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक ओर्स, जितने भी मैग्नेटिक ओर्स हैं, राइट, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही यहां पे मेटल्स आते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना? बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, अगर हाथ में कोई मैग्नेट आ जाती है तो उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, राइट? तो अगर एक मिक्सचर है, इसमें हमारे पास अलग अलग तरह के ओर्स मिक्स हो गए, कुछ उसमें मैग्नेटिक है, कुछ नॉन मैग्नेटिक है, तो ये मान लीजिए ये एक स्टिक है और स्टिक के आगे यहाँ पे ये मैग्नेट लगा है. इसी तरीके से एक सिंपल तरीका, अगर हम स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, तो डंडे के साथ मैग्नेट लगाई, इसके नजदीक लेके आए, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे ना वो इसके साथ चिपक जाएंगे, बाकी थोड़ी ना चिपकेंगे. फिर इधर ले आओ, मैग्नेट को अलग कर दो, ठीक, डंडे से मैग्नेट को हटा दो, तो जैसे वो हटेगी सारे के सारे मटेरियल साइड आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है? ये तो स्मॉल स्केल के ऊपर बात हुई, बहुत सिंपल सी बात है, चार पांच चीजें मिक्स हो गई, आप मैग्नेट उसके पास लेके जाओगे ऐसे, वो चिपक जाएंगी, उनको साइड में कर लो, दूसरा और अपने आप अलग हो गया, ठीक है? अब लार्ज स्केल के ऊपर कैसे करते हैं, देखिए लार्ज स्केल के ऊपर क्या करते हैं, हमारे पास एक कन्वेनर बेल्ट है, ये दो पुलीज लगी हैं, ठीक है? आप लोगों ने सभी ने फ्लोर मिल देखी होगी, आटे की चक्की देखी होगी, उसमें उसका बेल्ट ऐसे ही चलती है, चक्की की बेल्ट ऐसे ही चलती है, ठीक है? अब इस दो पुलीज को कन्वेनर बेल्ट ने आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है? ये बेल्ट, बेल्ट ये एक लाइन की तरह नहीं है, ठीक है? बेल्ट चौड़ी है, ऐसी दिखाई दे रही है, ये बेल्ट है. इसमें से ये वाली बेल्ट, दिस इज मैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेट लगी है और ये ऐसे चल रही है इधर को ऐसे, ठीक है? ओके, ये जोड़ा हुआ है पुली के साथ, ठीक है? इसको भी हमने सेंटर लिया, इसको भी ऐसे जोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन ये मैग्नेटिक है. यहां से, क्योंकि ये चल रही है ना आगे को, इधर से हमने इसके ऊपर ओर डाला, ओके, ये आ गया ओर प्लस इंप्योरिटीज, क्योंकि ओर अगर प्योर मैग्नेटिक ही होता तो हमें फिर इसकी सेपरेशन की जरूरत भी क्या है, ठीक है ना? तो हमने ओर लिया, ओर के साथ इंप्योरिटीज भी हैं, है ना? चलिए, अब ये यहां पे गिरा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, क्योंकि बेल्ट चल रही है ना इधर को, बढ़ते 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 यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया. अब क्या होगा, इसमें से जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो मैग्नेट के साथ रहने की कोशिश करेंगे, राइट, इसकी तरफ को अट्रैक्टेड हैं. जैसे ही ये बेल्ट थोड़ी यहां पहुंची, ये मटीरियल यहां पहुंचा, अब मैग्नेट तो पीछे रह गई, तो ये यहां गिरेगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा, तो यहां पे जो भी कंटेनर हमने रखा होगा ये कौन सा मटेरियल आया, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ओर. लेकिन जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो बेल्ट से कहां गिरेगा, यहां. समझ में आती है ना ये बात, दिस इज, यहां पे और एक अलग से ढेर लग गया, दीज सब्सटेंसेस आर नॉन मैग्नेटिक. क्लियर?
क्योंकि दोनों चीजें मिक्स आ रही हैं, तो ये नॉन मैग्नेटिक चाहे हो सकता है दो और ही मिक्स हो, लेकिन हमारे लिए जो मैग्नेटिक है लैटिन भी हेमाटाइट, वो मिक्स हो गया किसी और के साथ, ठीक है, तो वो दैट विल एक्ट एज इम्प्योरिटी, इट विल एक्ट एज इम्प्योरिटी। तो जो मैग्नेटिक ओर है वो इसके साथ रहने की कोशिश करेगा, जैसे इससे दूर हुआ उसका अलग ढेर लग गया, लेकिन नॉन मैग्नेटिक सीधा यहां गिरेगा आगे, क्योंकि ये बेल्ट है ना, ऐसे हो जाएगी तो ये आगे को नहीं गिरेगा, ये नॉन मैग्नेटिक है आगे इधर को गिरेगा, और मैग्नेट वाला इसके साथ रहने की कोशिश करेगा, तो उसको हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो इट वॉज मैग्नेटिक सेपरेशन, तो हेमेटाइट है, देन मैग्नीज टंगस्टेट है, ठीक है, दिस इज मैग्नीज टंगस्टेट, दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन टिन स्टोन, प्रेजेंट इन टिन स्टोन, SnO2, दिस इज कॉल्ड टिन स्टोन, राइट। मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज सच एज आयरन टंगस्टेट एंड मैंगनीज टंगस्टेट, आयरन भी सेम, आयरन टंगस्टेट एंड मैंगनीज टंगस्टेट आर प्रेजेंट इन टिन स्टोन। टिन स्टोन के अंदर ये दोनों एक्ट करती हैं एज मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज, तो इनको सेपरेट करने का यही तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट विच इज मैग्नेटिक, और उसको हम नॉन मैग्नेटिक इंप्यूरिटी से अलग कर सकते हैं। तो क्रोमाइट है, जैसे क्रोमाइट इट इज ऑल्सो मैग्नेटिक और इट इज आयरन ऑक्साइड along with chromium oxide, this is known as chromite, it can also be separated from non-magnetic impurities by this method. इस method से अब देखो tin stone के अंदर, tin stone के अंदर ये दोनों impurities हैं, एक चीज ध्यान से देखना, जरूरी नहीं है हर बार magnetic ore ही होगा, magnetic impurity भी हो सकती है, tin stone is non-magnetic, नॉन मैग्नेटिक ओर, दिस इज नॉन मैग्नेटिक ओर, और उसके अंदर ये दोनों ही इंप्यूरिटीज हैं, जो कि क्या है, मैग्नेटिक, राइट, तो इनको इस तरीके से हटा दिया, राइट, और ये क्रोमाइट इट इज मैग्नेटिक ओर, ये इधर गिरेगा और इसकी इंप्यूरिटीज इधर, लेकिन इस केस में ये इंप्यूरिटीज यहां गिरेगी और ओर टिन स्टोन इधर गिरेगा, अंडरस्टूड, जरूरी नहीं है हर बार मैग्नेटिक ओर ही होगा, इंप्यूरिटीज भी मैग्नेटिक हो सकती हैं, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, अब यहां पे चार्ज की बात आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, वी हैव टू कंसंट्रेट द ओर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, नो दिस मेथड इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन कंडक्टिंग नेचर, कंडक्टिंग नेचर मीन्स हमें देखना है कि दोनों में से आउट ऑफ टू इंप्यूरिटी एंड ओर वन शुड बी गुड कंडक्टर, दो है ना, दोनों में से एक गुड कंडक्टर होना चाहिए, ठीक, तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, देन द पार्टिकल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रोड हैविंग सेम चार्ज, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है ओर और दूसरा है गैंग, दोनों में से डिफरेंस होना चाहिए, दे मस्ट हैव डिफरेंस इन कंडक्टिंग नेचर, कंडक्टिंग नेचर, तो आउट ऑफ बोथ वन विच इज गुड कंडक्टर
will get electrically charged and repelled by electrode having same charge. ठीक है, कैसे? हमारे पास है powdered ore. This is powdered ore. Crushing, grinding and this is powdered ore. और उसमें lead sulfide है और zinc sulfide. मुझे lead sulfide को zinc sulfide से अलग करना है. ये दोनों इकट्ठे हैं. ओके, हमने इस ore को रखा on our roller. It is placed on our roller as thin layer and electrostatic field is applied. What will happen? अब lead sulfide, it is a good conductor, becomes electrically charged and repelled from roller. Roller से repel कर दिया जाएगा. हैं ये दोनों ही, लेकिन it's a bad conductor, it's a good conductor. It will get electrically charged and repelled from the roller because that will also be having same charge. So it was electrostatic concentration of ore. We are using the electric field. और property कौन सी? Conductivity, conductance. जो good conductor है वो इसमें participate करेगा, जो good conductor नहीं है वो participate नहीं करेगा. Next is froth flotation process. फ्रोथ होती है झाग. ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है. फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आपने 10th में भी देखा हुआ है. ये देखिए, अब ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ore and gangue particles. ठीक है, ये किसके ऊपर based है? It is based upon the principle of difference in wetting qualities of ore and gangue. ठीक है, और इस procedure के अंदर हम दोनों की वेटिंग क्वालिटी किससे टेस्ट करने वाले हैं? विद वाटर एंड ऑयल. ठीक, वाटर एंड ऑयल. अब देखिए, इनकी वेटिंग क्वालिटी अगर अलग अलग है, दोनों में से एक पानी से भीगता है और दूसरा ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है. ठीक है, तो हमने क्या किया? मैक्सिमम इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स. इट इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स जिसमें सल्फाइड हो, जैसे गैलिना लेड सल्फाइड. ठीक है, देन जिंक सल्फाइड. अब आपने सारे के सारे नाम लिखे, दिस इज जिंक ब्लेंडे. इट इज जेड एन एस एंड कॉपर पाइराइट्स CuFeS2. दिस इज कॉपर पाइराइट्स. तो इनको सेपरेट करने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज करते हैं. ठीक है, अब इस प्रोसीजर में होता क्या है? लेट्स सी दैट. अब हमारे पास ओर है, गैंग है, दो चीजें हैं. मुझे इन दोनों को अलग करना है. इसमें ओर जो है, इट इज वेटेड बाय ऑयल एंड गैंग बाय वाटर. गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ भीग जाते हैं और ओर जो है वो ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और ऑयल हम यूज करते हैं पाइन ऑयल. ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया. इस कंटेनर के अंदर पानी डाला है और पानी के अंदर ये रहे ऑयल के पार्टिकल्स. तो इधर पाइन ऑयल एंड वाटर, राइट? ओके, फिर अब देखो दो चीजें हैं. एक
मैं दोनों ही प्रोसीजर आपको बताती हूँ, कुछ किताबों में कोई अलग होता है, कुछ किताबों में अलग होता है। अब ऊपर से हमने डाल दिया इधर से और, ठीक है, इसमें और भी चला गया। अगर आप यहां से एयर ब्लो करते हो, जिन घरों में आज भी हम आग जलाते हैं, गर्मियों में ना सही, सर्दियों में तो जलाते हैं, राइट, जिस एरिया में हम रहते हैं हम घर में आग जरूर जलाते हैं, खाना बनाने के लिए या कुछ और कामों के लिए। इस पाइप के अंदर अगर आप एयर ब्लो करोगे, आप लोग बबल्स बनाते हो ना, बिल्कुल सिंपल, एक गिलास पानी लीजिए, थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डालिए और स्ट्रॉ के साथ फूंक मारिए, झाग बन जाती है। तो फूंक मारेंगे जब हम ऊपर से एयर ब्लो करेंगे, ये जो सुराख है मेटल की, जो भी हमने पाइप ली है, इसमें से एयर निकलेगी, है ना, एयर अंदर आई और एयर यहां से बाहर निकली, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर झाग आनी शुरू हो जाएगी, ये झाग ऐसे ऊपर को आनी शुरू होगी, ठीक है। पाइन ऑयल के साथ ये झाग किसकी वजह से है, पाइन ऑयल की वजह से। इस झाग के अंदर जो हमारे पास ओर है, सल्फाइड ओर, वो पहुंच गया। फिर इस झाग को हम अलग कंटेनर में निकाल लेते हैं, आपको पता है झाग हवाई तो है, सारी निकल जाएगी और ओर हमारे पास रिकवर हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था या तो आप यहां पे पाइप ले लीजिए, फूंक मार दीजिए, गलत नहीं है। दूसरा, आप अपने घरों में झाग लाने के लिए एक और चीज यूज करते हैं, यस, आप लोग दही से मक्खन निकालते हैं, क्या करते हैं, चर्निंग, मदानी लेते हो, है ना, उसको ऐसे ऐसे चर्निंग करते हो, ठीक। तो यहां पे इसकी जगह पे आप ब्लो पाइप ले रहे हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने ब्लो पाइप नहीं लेनी है तो यहां पे आपको बस ऐसे पैडल बना देने हैं, ऐसे होते हैं ना, उसमें पैडल्स बने होते हैं, उसको आप ऐसे ऐसे चर्निंग करते हो और पूरा का पूरा वो एजिटेशन होती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। तो अगर इसमें भी सेम चीज करोगे तो क्वाइट ऑब्वियस, सारे का सारा झाग जो ऊपर आ जाएगा। हम घरों में कपड़े धोते हैं, बाल्टी में डिटर्जेंट डाला, हाथ से उसको आप शेक करते हो, झाग बन जाती है। तो पानी को शेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो भी हमने चर्नर लिया है, हम उसके पैडल्स के साथ इसको चर्निंग कर रहे हैं, राइट। चाहे ब्लो पाइप से करो, फूक मारेंगे तब भी झाग बन जाएगी, चर्निंग करेंगे तब भी झाग बन जाएगी, ठीक है। बेसिकली हमें पानी को हिलाना है, वी हैव टू शेक दैट, सो दैट जितना उसमें एजिटेशन होगी उतनी ही ज्यादा झाग बनेगी। ये था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इजी था ना, यस आई नो दैट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है ये, जिससे हम सल्फाइड ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ओके। चलिए, कंसेंट्रेशन के अंदर हमारा अब एक लास्ट प्रोसीजर, एंड दैट इज लेविकेशन। ये सारे प्रोसीजर्स आपने 10th में किए हैं, नेक्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग क्या है, यहां पे हम करते हैं ओर इज ट्रीटेड विथ सर्टन केमिकल इन विच ओनली ओर पार्टिकल्स आर सोल्यूबल, सिर्फ ओर पार्टिकल्स सोल्यूबल होंगे, नॉट द इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज सोल्यूबल नहीं होंगी, सिर्फ ओर पार्टिकल्स ही उसमें सोल्यूबल होंगे। घुल गया, ठीक है, हमने इसको केमिकल से ट्रीट किया, ये था हमारे पास ओर प्लस इंप्यूरिटीज, ठीक है। हमने उसमें डाला कोई केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सॉल्यूशन डाला, लिक्विड डाला, केमिकल सॉल्वेंट डाला, डिजायर्ड सॉल्वेंट डाला, राइट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, डिजॉल्व्ड ओर, और इंप्यूरिटीज छन्नी की तरह अलग रह जाएंगी, उनको आप फिल्टर करके निकाल सकते हो। नाउ आई एम हैविंग डिजॉल्व्ड ओर, फिर मुझे इसको किसी और केमिकल के साथ ट्रीट करना है, अनदर केमिकल, और वो केमिकल क्या करेगा, इस डिजॉल्व्ड में से जो हमारे पास ओर है उसके प्रेसिपिटेट बना देगा, एंड दैट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट द मेटल। डिजॉल्व किया, बाकी नहीं भूला, ठीक है, इंप्यूरिटीज नहीं घुलेंगी, और घुल जाएगा, फिर उसको हम वापस रिकवर कर लेंगे, राइट। तो इट इज ट्रीटेड विद सर्टेन केमिकल इन विच ओनली ओर पार्टिकल्स आर सॉल्युबल, नॉट द इंप्यूरिटीज।
अब कुछ एक मेटल्स की लीचिंग करके देखते हैं. एग्जांपल देखें, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम ओर. एल्यूमिनियम के ओर की लीचिंग का प्रोसीजर हमारे पास क्या है देखिए. हम करेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर. बॉक्साइट ओर में से मुझे अब एल्यूमिना को सेपरेट करना है. ठीक है, अभी आप देखेंगे क्या फर्क रहता है इसके अंदर. अब देखिए, जो बॉक्साइट है ऑलवेज हैज सिलिका SiO2 एज इंप्योरिटी. ठीक, तो हम क्या करते हैं, इट इज मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज द केमिकल विच आर गोइंग टू यूज फॉर द लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, राइट. तो वट हैपन्स, Al2O3.2H2O, ये हमारे पास बॉक्साइट था, राइट. बॉक्साइट था, उसके साथ इंप्योरिटीज भी थी, राइट. बॉक्साइट के साथ इंप्योरिटीज भी हैं. पूरे का पूरा कंपाउंड है बॉक्साइट, जिसमें से ये निकलेगा एलुमिना, राइट. अब इसको हमने डिसॉल्व किया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, राइट. अब ये है एलुमिना, मुझे ये चाहिए पूरा बॉक्साइट. बॉक्साइट के अंदर क्या है, एलुमिना प्लस इंप्योरिटीज. ठीक है, बॉक्साइट के अंदर ये दोनों चीजें हैं और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एलुमिना. तो सिर्फ एलुमिना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म ये बन जाएगा NaAlOH4. अब आप इस कंपाउंड का नाम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं क्योंकि आप इनको अब आप जानते हैं. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ चुके हो. दिस इज सोडियम, सिंपल अगर हम कहें तो दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है, और अगर आप IUPAC नेमिंग करते हो तो इट विल बी सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, राइट. तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है, और ये है एक्वस डिसॉल्व, ये घुल गया, ये चीज उसमें घुल गई. ओके, फिर हमारे पास जो इंप्योरिटी थी, इंप्योरिटी कौन थी इसमें, सिलिका SiO2, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगी, लेकिन कंबाइन करके ये बना लेती है सोडियम सिलिकेट. इट फॉर्म्स सोडियम सिलिकेट. दिस इज सोडियम सिलिकेट एंड इट रिमेन्स अनडिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होती. ठीक है, इट इज फिल्टर्ड. ठीक है, इसको फिल्टर करके हम निकाल देते हैं. सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव सोडियम सिलिकेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड टू एडजस्ट द pH. pH चेंज हो गई ना, pH को एडजस्ट करने के लिए CO2 इसमें से पास कर दिया जाता है. ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन में से NaAlOH4 times it gets precipitated. CO2 हम इसमें से पास कर रहे हैं for 2 to 3 hours. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेंगे, what will happen, ये बन जाएगा Al2O3.XH2O plus सोडियम का बन जाएगा आगे हमारे पास बाइकार्बोनेट NaHCO3. इट विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट. ये बन गया सोडियम
bicarbonate. It is pressed, okay. Sodium bicarbonate, it is dissolved, ये घुला हुआ है, but it gets precipitated. ये precipitate बन गए. अब next step में हम क्या करेंगे? Al2O3.XH2O. इसको heat किया, ठीक है? 1470 Kelvin temperature तक, 1470 Kelvin temperatures तक heat किया, we will get Al2O3 plus XH2O बाहर. Now this is pure alumina. ये हमें चाहिए था. और जब हम sodium hydroxide इसमें dissolve कर रहे हैं, तो temperature should be 473 to 523 Kelvin and pressure it should be 35 to 36 bar pressure, right? Process कोई tough नहीं है. Procedures आ जो है that is not too tough. ये हमारे पास था bauxite. Bauxite के अंदर alumina है और उसके साथ silica जैसी impurities भी हैं. हमने sodium hydroxide डाला. सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सिर्फ एल्यूमिना डिसॉल्व करेगा और वो बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो वो बन गया एल्यूमिना. उसको हीट किया तो हमारे पास अभी देखो एल्यूमिना के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था. हीट करेंगे पानी सारे का सारा निकल गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब यहां से एल्यूमिनियम निकालना डैम इजी हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से लीचिंग के प्रोसेस के साथ देखो हमने फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं किया, कोई और प्रोसीजर नहीं लगाया, डायरेक्ट बॉक्साइट से लीचिंग करके आपके पास एलुमिना आ गया. और ये प्रोसीजर अगर हम क्ले के साथ करते हैं तो दैट इज लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक. तो ये था लीचिंग ऑफ एलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट. बायर्स प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड बायर्स प्रोसेस. लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक. दिस इज मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. और इसके अंदर हम जो केमिकल सब्सटेंस यूज करने वाले हैं, केमिकल यूज्ड, इट इज सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, केसीएन और एनएसीएन. आप इसको यूज करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास, चलो पहले हम बनाते हैं सिल्वर का, ठीक है? हमारे पास है सिल्वर प्लस हमने ऐड किया NaCl, वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है? दे विल फॉर्म सोल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ AgCl, ठीक है? This is sodium dicyanide argentate 1. अब आपको नाम लिखना आता है, मैं यही assume करके चल रही हूं. तो 4NaNOH बाहर. अब देख लीजिए इसको बैलेंस कर लेते हैं. 4 है तो यहां पे लग गया 4. Now this is soluble complex, aqueous. This is soluble complex. ये भूल गया. Impurities इसके अंदर dissolve नहीं करेंगी, ठीक है? तो it is aqueous NaCl. Aqueous NaCl. अब अगले process के अंदर हमें क्या करना है? हमें इस soluble complex को treat करना है किसी ऐसी metal के साथ जो गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है. वो क्या करेगी? इसकी जगह ले लेगी और इसको वहां से रिप्लेस कर देगी. बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है. तो एक्टिव मेटल बेस्ट है जिंक. तो दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद जिंक. सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद रिएक्टिव मेटल जिंक. तो हमारे पास है NaAgCN twice plus जिंक. हमने इसको जिंक के साथ ट्रीट किया. अब जिंक की जगह सिल्वर की जगह यहां पे
जिंक ले लेगा, इट विल बिकम जेड एन, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। ये दो कंपाउंड उठाए, चार साइनाइड, चारों से उसके साथ जिंक के साथ, और दोनों अब यहां से कितने सिल्वर निकले बाहर, 2AG, यही चाहिए था हमें, आ गया, दिस इज सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल, क्लियर। वेल, सेम हमारे पास गोल्ड, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 4 गोल्ड प्लस, अब मैं इसकी जगह केसीएन लेने लगी, ठीक है, 8 KCN प्लस वॉटर, दिस इज एक्वस प्लस ऑक्सीजन, और कंपाउंड वही बनेगा NaAuCN ट्वाइस प्लस KOH, ठीक है, और KOH हमारे पास 4 इधर लगे, 4 इधर, और ये बने 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर अगेन K, नाउ KAUCN twice प्लस, अगेन वी आर यूजिंग जिंक, तो ये बन जाएगा K2ZnCN 4 टाइम्स प्लस 2AU, दिस इज गोल्ड मेटल। क्लियर, अगर आप KCN के साथ कर रहे हो सेम चीज, क्योंकि वो भी अल्कली मेटल का साइनाइड है, वो भी अल्कली मेटल का साइनाइड है, ये दोनों प्रोसीजर मैं ऊपर लिख देती हूं, ठीक है, देखो सेम चीज इसी को देख के मैं लिखूंगी, गोल्ड प्लस KCN, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCN, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन, दे विल रिएक्ट, इट इज एक्वस, और ये बनाएंगे सोल्युबल कॉम्प्लेक्स 4KAUCN twice प्लस 4KOH, क्लियर। नाउ दिस इज सोल्युबल, दिस इज सोल्युबल कॉम्प्लेक्स, और इसका नाम पोटेशियम, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, डाइसाइनाइडो ऑरिएट 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, अब इसको हम फिर रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, तो सोल्युबल कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विथ जिंक, इट इज ट्रीटेड विथ जिंक, सेम चीज हमारे पास आ गया KAUCN twice प्लस जिंक, डबल है ना, क्योंकि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये यहां से गोल्ड को रिप्लेस करेगा, इट विल फॉर्म K2ZnCN4 प्लस 2AU, नाउ दिस इज गोल्ड मेटल, और ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, दिस इज गोल्ड मेटल, इट वॉज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, तो आपने देखा दिस इज लीचिंग ऑफ सिल्वर, दिस इज लीचिंग ऑफ गोल्ड, तो इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, आपने एल्यूमिनियम का भी देखा, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिजोल्व किया, अगेन उसने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, जो बाद में प्रेसिपिटेट हुआ टूटकर CO2 के साथ, हमने और में से जो बिल्कुल कंसंट्रेट करके इंप्योरिटीज को हटाकर उसकी बेनिफैक्शन करते, ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज लेक्चर, ठीक है, रिवाइज करेंगे इन जो भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, यस वी आर गोइंग टू रिवाइज इट विद दिस एनिमेशन। प्यारे बच्चों, आपको पता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज, तो उनको क्या बोलते हैं हम, मिनरल, ठीक है। अब देखो मिनरल के अंदर
एक तरफ इम्प्योरिटी कम मेटल ज़्यादा, दूसरी तरफ इम्प्योरिटी ज़्यादा और मेटल कम, तो जिसमें मेटल ज़्यादा इम्प्योरिटी कम, दैट इज़ कॉल्ड ओर, राइट। अब जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं उनमें से नॉबल मेटल्स हैं प्लैटिनम एंड गोल्ड, और इनके साथ जो इम्प्योरिटी है मोस्टली क्या होती है, क्ले होगी, सैंड होगी, मिट्टी होती है, ज़्यादा कुछ खास इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती हैं क्योंकि ये मेटल्स नॉन रिएक्टिव हैं। अब अर्थ की क्रस्ट के अंदर बहुत सारी मेटल्स पाई जाती हैं, अकरेंस ऑफ मेटल्स, मोस्ट ऑफ देम दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, लाइक एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, राइट। तो ये आप इनकी वेट परसेंटेज देख सकते हो, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो एल्युमिनियम का ओर है आपके सामने, आयरन का ओर है, ठीक है। और एल्युमिनियम इन द फॉर्म ऑफ ओर इट इज़ हैविंग 8.23% बाय वेट अबंडेंस, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयरन इट इज़ 5.80% बाय वेट, राइट। तो आयरन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो अगर आप सारे एलिमेंट्स को देखें तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सिलिकॉन एट नंबर 2 एंड एलुमिनियम इट इज एट नंबर 3 एंड आयरन नंबर 4। अब आपने इम्पॉर्टेंट ओर्स लिखे हैं, राइट। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के इम्पॉर्टेंट ओर्स आपके सामने हैं, बॉक्साइट है, कालोनाइट है, ठीक है। उनकी यू नो मिनरल वेल्थ ऑफ एनी नेशन इट अकाउंट्स फॉर द इकोनॉमी, और एल्युमिनियम इसके हमारे पास मेन दो ओर है, माइका एंड क्ले, ठीक है। उसमें से दोनों ही ओर हैं, दोनों में से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट बॉक्साइट इट इज़ द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम, Al2O3.2H2O बॉक्साइट। अब इसके अलावा हमारे पास रूबी है, सेफायर्स हैं, दीज आर द जेमस्टोन्स, राइट, एंड दीज कंटेन एल्युमिनियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद ट्रांजिशन मेटल्स एज इम्प्योरिटी। अब अगर आप रूबी रेड की बात करें, रूबी स्टोन जो होता है, जेम स्टोन आप रिंग्स में डलवाते हो, है ना, राशि के नग होते हैं, तो उसमें क्रोमियम इट इज़ प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। एंड इन सेफायर्स, सेफायर्स हमेशा ब्लू कलर में होते हैं, इसमें एलुमिना के साथ इम्प्योरिटी होती है निकल, कोबाल्ट या टाइटेनियम की, क्योंकि ये नॉर्मली ब्लूइश ट्विंस देते हैं, ठीक है। अब देखो आयरन, आयरन के इम्पॉर्टेंट ओर्स हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4, एंड मैग्नेटाइट इट इज वेरी मच मैग्नेटिक इन नेचर। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील की अगर आप बात करें, कोई भी अलॉय बनाना हो तो उसमें हम आयरन का ही ओर यूज़ करेंगे। देन आयरन इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्लड, हेमोग्लोबिन। इसी तरीके से कॉपर और जिंक, इनके भी इम्पॉर्टेंट ओर्स आपके सामने लिखे हैं, कॉपर पायराइट्स, मेलाचाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस। अब क्यूपराइट और जिंसाइट ये दोनों ही ऑक्साइड ओर्स हैं, और ये देखिए सल्फाइड ओर, कॉपर पायराइट्स एंड जिंक प्लेंटे, दीज आर सल्फाइड ओर्स, और ये देखो दोनों ही कार्बोनेट। नाउ जितने भी ओर्स हैं अब इनकी हमें कंसेंट्रेशन करनी है, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप पाउडर्ड एंड क्रश करके हमने उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया। अब अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, मिनरल। मिनरल के साथ प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज, ओर के साथ इम्प्योरिटीज, और जिस ओर में से हम, जिस मिनरल में से हम इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट बिकम्स ओर। ये आपके सामने अलग अलग मेटल्स के ओर्स हैं, ठीक है। अब जैसे एल्युमिनियम का ओर बॉक्साइट, आयरन का ओर हेमेटाइट, जिसमें से आप आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें कम खर्चा लगा के। जो भी स्टेप्स आपके 1, 2, 3, 4 जितने भी स्टेप्स आपके लगे, खर्चा कम से कम होना चाहिए, तब हमें बेनिफिट है, तो उस मिनरल को हम ओर कहेंगे, ठीक है। तो हमारे सेकेंड वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो आप ये फ्लो चार्ट पीछे देख चुके हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, फिर कंसेंट्रेटेड ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस इम्प्योर मेटल को हम रिफाइन करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। ओके, नाउ लेट्स सी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स, राइट। ओर
और के अंदर मेटल किस में होगी? कंबाइंड स्टेट के अंदर, अलोंग विद सिलिका, क्ले, ठीक है, सैंड होगी, क्ले होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो अर्धी इंप्योरिटीज होती हैं? यस, दिस इज गैंग और मैट्रिक्स। तो अब ये देखो मेटल इन कंबाइंड स्टेट, और वो देखो उसको जब हमने सेपरेट किया तो गैंग उसमें से अलग हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन ऑफ ओर। तो आपने आज के वीडियो में यही देखा पहले कि कंसेंट्रेशन ऑफ ऑर के लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन की हमने, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड देखा एंड लीचिंग। मैंने हैंड पिकिंग की बात भी की थी आप लोगों से। नाउ द चॉइस ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन सर्टन फैक्टर्स, द डिफरेंसेज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ द मेटल प्रेजेंट एंड दैट ऑफ गैंग्यू। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ मेटल कैसी है, नेल फैसिलिटीज अवेलेबल कैसी हैं हमारे पास, ठीक है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहला प्रोसीजर, दिस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर है, नीचे इसके छोटी छोटी डिप्रेशंस बनी हैं, लेफ्ट साइड से इसके ऊपर पानी गिर रहा है, ठीक है, पानी का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। ये देखो मैंने आपसे गोल्ड माइंस की बात की थी, तो ये इस तरीके से गोल्ड को वॉश किया जाता है। ये ऊपर से हमने ओर डाला और उसको ना धीरे धीरे ऐसे हिलाते रहते हैं, ऊपर से पानी का फ्लो वो अपने साथ लाइटर गैंग पार्टिकल्स को बहा के ले जाता है और वेजेस के बीच में हैवी ओर जो है वो सेटल हो जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक वॉशिंग से हम इम्प्योरिटीज़ को, जितनी भी अर्दी सैंडी इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हम हटा देते हैं। और पता है आपको, इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। अब ये देखो मैग्नेटिक सेपरेशन, हमने इम्प्योर ओर को अंदर उसको घुमाया, मैग्नेट उठाई, दूसरी साइड मैग्नेट सेपरेट की, तो ओर जो था उसमें से अलग हो गया। हेमेटाइट ओर है, ठीक है, ये मैंने कन्वेनर बेल्ट की बात की थी आपसे, मूविंग बेल्ट है, और लेफ्ट वाली जो है ये मैग्नेटिक रोलर है, ऊपर से ओर रखा और ये बेल्ट घूमना शुरू हो गई, ठीक है। ओर जैसे जैसे आगे पहुंचा, नॉन मैग्नेटिक लेफ्ट वाली साइड में पड़ रहा है और ब्लैक ब्लैक जो है मैग्नेटिक वो बेल्ट के साथ रहने की कोशिश करता है, तो नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल्स अलग हो गए और मैग्नेटिक ओर जो था वो भी अलग हो गया। और मैंने आपको बताया था ना, ज़रूरी नहीं हर बार ओर ही मैग्नेटिक होगा। अब ये देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द वेटिंग क्वालिटी ऑफ ओर एंड गैंग। तो इसमें गैंग के पार्टिकल्स जो है दे आर वेटेड बाय वाटर एंड ओर पार्टिकल्स बाय पाइन ऑयल। तो ये देखो हमने इसमें ओर डाला, ओर के साथ स्टेबलाइजर डाल दिया और साथ में पाइन ऑयल, कलेक्टर एनहांसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द ओर पार्टिकल्स, की पानी ना लगे उसके साथ। तो ये नॉर्मली कौन होता है? पाइन ऑयल, ठीक है, उसको हम कलेक्टर बोलते हैं। ओके, स्टेबलाइजर हमने डाला है क्रिजोल, ये फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है, झाग को ज्यादा देर तक टिकने में हेल्प करता है। ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि हमने स्टेबलाइजर कौन सा यूज़ किया, क्रिजोल, और कलेक्टर क्या यूज़ किया था हमने, पाइन ऑयल। अब देखो जैसे हमने एजिटेशन की है ना, चर्निंग की, तो उसमें से फ्रोथ के साथ उसके सल्फर, जो भी हमारे पास सल्फाइड का ओर था, वो ऊपर उठा और उसको हमने अलग कर लिया। ये देखो ये प्रोसेस हमारे घरों में होता है ना, मैंने बताया था ना, मधानी के साथ हम इसको चर्निंग करेंगे तो बटर अलग हो जाता है। इस तरीके से जब इसको हम घुमाएंगे, इसके अंदर चर्निंग होगी, फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड ओर पार्टिकल्स दे कम अप, उनको हम अलग कर लेते हैं। वाटर के अंदर पाइन ऑयल था जिसकी वजह से वो झाग बनती है, और झाग में तो हवा ही होती है, राइट? तो इस तरीके से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के साथ हम सल्फाइड ओर्स को सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो डिप्रेसेंट की बात हम करें, हमारे पास दो ओर थे, जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, हमने इसमें ऐड किया एक केमिकल, और जैसे ही झाग बनी, इस झाग के अंदर लेड सल्फाइड आएगा, जिंक सल्फाइड नीचे सेटल हो जाएगा क्योंकि हमने डिप्रेसेंट डाला है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज लीचिंग। लीचिंग के अंदर हम केमिकल यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट डाला और हमने देखो बॉक्साइट में से एलुमिना निकाल दिया। एलुमिना जो है इट इज़ लाइक वाइट सैंड, जैसे रेत हो सफ़ेद रंग की, सूजी होती है ना, हलवा बनता है जिससे, वैसे।
प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। हमने इम्प्योर एलुमिना लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, वाटर डाला और 473 से 523 केल्विन तक और 35 से 36 बार प्रेशर तक जब इसको हम हीट करते हैं, या आप अपने सामने देख पा रहे हो इसको हीट किया, व्हाट हैपन्स, हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसके जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, और हम सिंपल इसको बोले सोडियम एल्यूमिनेट। फिर हम इसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, आप ऊपर देखो पूरा दिखाई दे रहे, और उसको डालते ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिना ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर इसको 1470 केल्विन तक हीट करते हैं, तो आपने देखा था वाटर अलग हो जाएगा और उसमें से प्योर एल्यूमिना बिल्कुल वाइट सैंड सूजी की तरह हमारे पास बन जाएगा। तो हमने कैसे किया इसको, केमिकल के साथ सॉल्वेंट यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं सिल्वर, चांदी। सिल्वर को भी हम लीचिंग के प्रोसेस के साथ सेपरेट करते हैं। हमने इसके अंदर डाला सोडियम साइनाइड और ये बना देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी है वाटर भी है, इसको हम घोलने की कोशिश करते हैं, इट फॉर्म्स सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, इट इज़ एक्चुअली सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट वन। फिर हम एक एक्टिव मेटल डालते हैं, इसमें जिंक डाला, जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर देता है और प्योर सिल्वर हमारे पास आ जाता है, राइट। तो दीज वर सर्टेन मेथड्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओर जो आपने पढ़े, हाइड्रोलिक वॉशिंग था, मैग्नेटिक सेपरेशन आपने देखा, देन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को आपने देखा, उसके बाद आपने लीचिंग का प्रोसेस देखा जिसमें डिफरेंट केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे थे। अब हमारे पास आ गया कंसेंट्रेटेड ओर, अब इससे हमें बनानी है क्रूड मेटल और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। आई होप आपको ये सारे प्रोसीजर्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर यूज किए जाते हैं, हम घरों के अंदर इनको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।